बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी या भू संतुलन का सिद्धांत या भू संतुलन की संकल्पना। एग्जाम में जो सवाल आता है वो इस प्रकार से आता है कि समस्थिति से क्या तात्पर्य है, सर जॉर्ज एरी व प्राट की संकल्पनाओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। तो ये चीज़ देखने के लिए बात है कि समस्थिति होता क्या है। समस्थिति की परिभाषा का डिवीज़न अलग होगा और प्राट और एरी के जो विचारों की संकल्पना है उसका अलग होगा। ऐसे इस तरह से कुल मिला के ये दो टुकड़ों में प्रश्न बनता है, ये अक्सर सवाल आता है। तो सबसे पहले हम समस्थिति की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। ये जो आइसोस्टेसी शब्द है, इंग्लिश का जो आइसोस्टेसी शब्द है वो आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति है। और इसका जो कार्य है, इस संतुलन का जो कार्य सबसे पहले 1859 में प्रारंभ हो गया था। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइंग बेसिंग ऑन ए रोटेटिंग अर्थ। अर्थात परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर ऊपर स्थित क्षेत्रों, ऊपर जैसे कौन से क्षेत्र हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, मैदान हैं, और गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे झील है, समुद्र है, सागर हैं, महासागर हैं, के भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही समस्थिति या संतुलन की दशा कहते हैं। ये यांत्रिक जो स्थिरता है, मैकेनिकल जो स्टेबिलिटी है, इसकी स्थिरता की जो दशा है उसको ही समस्थिति कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये संतुलन या समस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हुआ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन में अचानक ही भूगोलवेत्ताओं के मस्तिष्क में, एक दिमाग में आया। और जब 1859 में सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा था, उसमें भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में ये कार्य हो रहा था। उस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशी माप त्रिभुजीकरण विधि द्वारा तथा खगोलीय विधि द्वारा लिया गया, जिसमें दोनों मापों में 5.236 इंच का अंतर आ गया। मतलब जब ये त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा और खगोलीय विधि के एस्ट्रोनोलॉजिकल मेथड के द्वारा जब इनका नाप लिया गया तो उसमें 5.236 इंच का अंतर आ गया। कल्याण हिमालय से मात्र 60 मील दूर है। इस प्रकार जब दोनों की नापों में जब अंतर आने का कारण पूछा गया तो सर जॉर्ज एरी महोदय ने बताया कि ये अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण है, क्योंकि ये इतना जो अंतर आया है 5.236 इंच का, कि हिमालय पर्वत नज़दीक है और इसके जो आकर्षण शक्ति के कारण पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है। इस तरह से प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण थी। अब ये समस्या प्राट महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने ये मान लिया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना हुआ है, जिसका घनत्व 2.75 ग्राम सेंटीमीटर रेस टू पावर -3 है। इस आधार पर उन्होंने गणना की तो ये घनत्व जो दोनों नापों का जो अंतर है वो 15.885 इंच के बराबर था। इस प्रकार पार्ट ने इस मत का उद्बोधन किया कि माप का अंतर केवल 5.2365 न होके 15.885 होना चाहिए था। और इस प्रकार पार्ट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप का अंतर 15.885 होना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। पार्ट के अनुसार हिमालय यदि 2.5 ग्राम सेंटीमीटर रेस टू पावर -3 घनत्व वाले सेल का बना है तो वह सही रूप में अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। और इसके हिमालय की जो आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है, इसके लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। एक पहला सुझाव यह दिया गया है कि हिमालय जो है एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं,
और इस कारण से पर्वत का भार तथा घनत्व कम होगा, जिस कारण माप में अंतर आ गया, लेकिन ये सर्वथा काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है, इस कारण समस्त भार कम होगा तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। तीसरा, हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार तथा आकर्षक शक्ति कम होगी। चौथा है, माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल है, एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इस तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है। इस प्रकार इस तल के सारे सभी भाग बराबर रखते हैं और इस आधार पर यह मान लिया गया कि जितना बड़ा भाग होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जितना छोटा भाग होगा उतना ही उसका घनत्व अधिक होगा। अर्थात बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, इस सिद्धांत को उन्होंने माना है और इसके आधार पर सर जॉर्ज एरी और प्राटिन ने अलग अलग विचारधारा दी है। इसका मतलब जो ये जो लेवल माना है, लेवल ऑफ कंपनसेशन या लाइन ऑफ कंपनसेशन, ये सब प्राट के व्यूज थे, एरी के नहीं थे। लेकिन सर जॉर्ज प्राट की जो क्या संकल्पना थी उसकी जब हम बात करते हैं, तो सर जॉर्ज एरी ने ये बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता, वास्तव में ये अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी के क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधस्तर में तैर रही है, क्योंकि जब क्रस्ट मेंटल और कोर की बात करते हैं तो क्रस्ट का घनत्व 2.7 है ग्राम सेंटीमीटर रेस्ट पर 3 है, तो सबस्टेटम का घनत्व 5.5 है और कोर का घनत्व 11 के करीब है। तो इस तरह घनत्व बढ़ता जा रहा है तो उसमें तैर रहा है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय के केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधे स्तर के ऊपरी भाग तक ही यह नहीं तैर रहा है, वरन काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है, उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई तक व्याप्त है। इस विचार को दूसरे रूप में भी समझाया जा सकता है कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसका एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए और 9 भाग जल में रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 ग्राम सेंटीमीटर रेस्ट पर -3 है तथा सबस्टेटम का घनत्व 3.0 ग्राम सेंटीमीटर रेस्ट पर -3 मान लिया जाए, तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्टेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्टेटम के नीचे रहना पड़ेगा। इस बात पे एरी ने इसे आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण प्रस्तुत किया, वरन उन्होंने ये भी बताया कि स्थलभाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। यदि तैराव के उपयुक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे की तरफ होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर यदि 8,848 मीटर मान भी ली जाए तो इसकी गुणा इसको 9 टाइम्स गुणा करेंगे तो ये 79,632 मीटर तक भाग जो है उसका हल्के पदार्थ का सबस्टेटम में होगा। ये बात के उन्होंने एरी ने बताई है। इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसके हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो कि सबस्टेटम है तथा उसके सबस्टेटम में है तथा एरिन पुणे भी बताया कि सबस्टेटम तथा एक लंबी जड़ ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इन आधारों पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्टेटम में डूबा होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा रहेगा। एरी ने पुनः बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। उन्होंने बताया कि जो विभिन्न घनत्व हैं अलग अलग घनत्व हैं उनका घनत्व बराबर होता तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है।
अर्थात यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस की बात उसने कही कि यूनिफॉर्म डेंसिटी डेंसिटी यदि 10 सेंटीमीटर का कॉलम है 50 सेंटीमीटर का उनकी डेंसिटी समान होगी लेकिन घनत्व जो है वो समान घनत्व होगा लेकिन उनकी जो ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न होगी। इट मीन्स यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस की बात कही अर्थात महाद्वीप विभाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्हें पारे में भरे बेसिन में डुबो दिए है। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई में डूबते गए। इसी बात को एक लकड़ी के टुकड़ों में जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया जो कि लकड़ी के टुकड़े लिए अलग अलग लंबाई के और उनका जो नाप है वो अलग अलग है और उनका घनत्व समान है लकड़ी का तो उस आधार पर देखा कि जो भाग जितना अधिक डूबा होगा उसका घनत्व छोटा भाग की अपेक्षा कम होगा। ये चीज़ उनका कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस की बात की कि घनत्व समान था लेकिन गहराई भिन्न पाई जाती है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि एरी ने इस मत का बताया कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम को अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं जिस कारण से ऊंचे उठे भाग नीचे गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार हो जाता है ऐसे पर्वतों के विषय में उसने बताया है। इस प्रकार से संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित है। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं जबकि उसके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा नीचे भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग का संतुलन या संतुलन रेखा पर भार बराबर होता है। इस आधार पर वर्तमान समय में एरी ने इस मत को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है तथा इसमें कुछ दोष भी हैं। अर्थात आलोचना की यदि हम बात करें तो एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है जो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग की ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार हिमालय की लगभग 79,632 मीटर गहराई जड़ होगी। यदि ये ज्ञात है कि ऊपरी भाग में पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो इस प्रकार हिमालय इतनी लंबाई में अर्थात 79,632 मीटर की गहराई पर अत्यधिक ताप के कारण उसको पिघल जाएंगी अर्थात जब उसका बेस ही नहीं होगा तो ये जो मान्यता है ये नहीं हो सकती। तो इस आधार पर एरी ने इसको ये बताने की कोशिश की है कि जो भाग जितना गहरा होगा और जो भाग छोटा होगा तो वो उसके घनत्व के संतुलन की स्थिति में है। इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो भाग यूनिफॉर्म डेंसिटी है विद वेरिंग थिकनेस की बात करके और उनका कि इतनी गहराई तक जो भाग है इसलिए ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी जब जड़ी नहीं होगी रूट ही नहीं होगी तो ये संभव नहीं है। इस संकल्पना का जो विचारधारा का जो है उन्होंने प्राट ने इसका विरोध किया है इसको जानकारी दी है और उसके आधार प्राट ने अपने विचारों के आधार पर इस संकल्पना को प्रतिपादन किया है। तो नेक्स्ट दिन हम प्राट की संकल्पना की बात करेंगे और हैपर्ट गोवी की विचारधाराओं को सम्मिलित करेंगे।